Hey beautiful people, welcome to Fundu Programming. मैं हूँ आपका दोस्त Fundu Boy. दोस्तों आप अपने आसपास ऐसे कई लोग देखते होंगे जो अपने बुढ़ापे तक बस मेहनत ही करते रहते हैं, मगर खुद की लाइफ को कभी बेहतर बना ही नहीं पाते। ना उनके पास खुद का घर होता है और ना ही वो कभी फाइनेंशियली स्टेबल हो पाते हैं और ना ही उनकी लाइफ में उनका कोई कंट्रोल होता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि बहुत ही कम उम्र में ही वो सब कुछ हासिल कर लेते हैं जो उन्हें हर तरीके से अपनी जिंदगी जीने की आजादी देता है, और तो और उनका अपनी लाइफ में पूरा कंट्रोल भी होता है। क्योंकि एक्चुअली में ये लोग वो होते हैं जो अपने टीनेज में ही कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे सीक्रेट जानते हैं जो नाकाम और बेवकूफ लोग कभी जिंदगी भर जान ही नहीं पाते। और आज इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं वही पांच बातें बताने वाला हूं जो आपको सही मायने में एक यंग एज में ही सफल और अमीर इंसान बना देगी। दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। दोस्तों लिज मरी नाम की एक बहुत ही मासूम सी बच्ची का जन्म न्यूयॉर्क के एक छोटे से शहर में हुआ था, मगर लिज के माता पिता अल्कोहलिक एंड ड्रग एडिक्टेड थे, जिसकी वजह से लिज ये बताती है कि उसके माता पिता उससे प्यार तो बहुत करते थे मगर ड्रग एडिक्टेड होने की वजह से वो कभी लिज की उतनी परवाह कर ही नहीं पाते थे। वहीं वो लोग अपने नशे के चलते घर की कई सारी चीजें भी बेच दिया करते थे। अब ऐसे हालातों में भी लिज अपना घर चलाने के लिए गैस स्टेशन पे नौकरी किया करती थी ताकि वो अपने परिवार को एक समय का खाना खिला सके। साथ ही साथ वो अपनी स्कूल की पढ़ाई भी करती थी, मगर एक दिन ड्रग के ओवरडोज की वजह से लिज की माँ की मौत हो गई और उसके बाद लिज के पिता उसे अकेला छोड़कर वो शेल्टर होम में शिफ्ट हो गए। अब छोटी सी लड़की लिज इस दुनिया में पूरी तरह से अकेली हो गई थी, मगर इस बच्ची ने फिर भी हार नहीं मानी। उसने अपना एडमिशन मैनहट्टन की एक स्कूल में करवा दिया और अपना गुजारा चलाने के लिए पार्ट टाइम में नौकरी करने लगी। मगर अब वहीं दूसरी तरफ लिज के पास रहने के लिए कोई घर तो बचा नहीं था, इसलिए वो पूरी रात चलती हुई मेट्रो ट्रेन में सोकर गुजार देती थी और रेलवे स्टेशन के लाइट में नीचे बैठकर वो अपनी पढ़ाई और होमवर्क किया करती थी, और सुबह होते ही वो अपने स्कूल एंड पार्ट टाइम जॉब के लिए निकल जाती थी बिचारी। तभी लिज को स्कूल की तरफ से ये पता चला कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी नाम की एक ऐसी भी संस्था है जहाँ पे रहने, खाने और पढ़ने जैसी कई सारी सुविधा उपलब्ध होती है, और तो और एक बार जो इस कॉलेज में एडमिशन ले लेता है ना, उसे तो सफलता की बुलंद तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता। बस इतना सा सुनते ही लिज को मानो सोने की खदान ही मिल गई हो। उसने तुरंत ही हार्वर्ड तक पहुंचने की सारी प्रोसेस अपने टीचर से जान ली और उसी दिन से लिज ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए प्रिपरेशन शुरू कर दी। अब ये देखकर दुनिया के बाकी समझदार लोग लिज का काफी बार मजाक भी उड़ाया करते थे कि जिसका रहने खाने का ठिकाना तक नहीं वो भला हार्वर्ड तक कैसे पहुंचेगी, ये तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, ये लड़की तो पागल हो गई है। मगर लिज ने लोगों की एक भी बातों पे ध्यान नहीं दिया। वो हर रोज वो मेट्रो स्टेशन के लाइट में या स्टेयरकेस के नीचे बैठकर पढ़ती रहती थी। लिज ने इस हद तक की पढ़ाई की कि उसने 4 साल के सिलेबस को 2 साल में ही खत्म कर दिया और पूरे स्कूल में 95% मार्क के साथ टॉप करके दुनिया के सबसे प्रेस्टिजियस कॉलेज हार्वर्ड में एडमिशन ले लिया, और साथ ही साथ उसे एक अच्छी खासी स्कॉलरशिप भी दी गई ताकि वो अब आगे की पढ़ाई बहुत ही आराम से कर सके। अब दोस्तों अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा रुकोगे और लिज की स्टोरी को ध्यान से देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि एक्चुअली में सफलता हासिल करने के लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां से आए हो और आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि अगर आपके पास क्लियर गोल है और उस गोल को अचीव करने का आपके पास स्ट्रॉन्ग पैशन एंड परसिवियरेंस है तो आप किसी भी हालात में अपने मुकाम तक पहुंच ही जाओगे, ये तो पक्की गारंटी है दोस्त। लेकिन अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग पैशन एंड परसिवियरेंस होगा ही नहीं तो फिर चाहे आपके पास कितनी भी फैसिलिटी मौजूद क्यों ना हो, मगर फिर भी आप कभी अपनी कामयाबी के शिखर तक पहुंच ही नहीं पाओगे। क्योंकि रियलिटी देखे तो काबिलियत तो हम सबके अंदर होती है, लेकिन स्ट्रॉन्ग पैशन एंड परसिवियरेंस ना होने की वजह से हम कभी हमारे अंदर छुपी हुई उस काबिलियत को बाहर ला ही नहीं पाते। अगर लिज भी यहाँ पे अपनी परेशानियों का बहाना बनाकर अपनी कंसिस्टेंसी को छोड़कर बैठ जाती तो वो आज होमलेस से हार्वर्ड तक का सफर कभी तय कर ही नहीं पाती। इसलिए दोस्तों इस पैशन एंड परसिवियरेंस की ताकत को इस यंग एज में ही जान लो, समझ लो, क्योंकि इस पैशन एंड परसिवियरेंस ने ही बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, इलन मस्क और स्वामी विवेकानंद जैसे महारथियों को अपने अंदर छुपी अद्भुत काबिलियत को बाहर लाने में मदद किया है जो एक्चुअली में आपको एक्सट्रीम लेवल की सफलता बहुत ही जल्द दिलाती है। वहीं अब अगली चीज रॉबर्ट कियोसाकी ये बताते हैं कि इस दुनिया में 4 तरह के लोग ही पैसे कमाते हैं, एक एम्प्लॉयज, सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल, बिजनेस ओनर्स एंड इन्वेस्टर, और इन चारों में से राइट साइड में ये दिखने वाले 2 कैटेगरी के लोग ही दुनिया में सबसे ज्यादा पैसे कमाते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम भी यही लोग सबसे पहले अचीव करते हैं। मगर अपने यंग एज में ही एक बिजनेस ओनर बनना 99% लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होता, मगर एक इन्वेस्टर बनकर अपनी यंग एज में ही फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल करना 100% पॉसिबल होता है दोस्त। जैसे कि मारिया यूएस में एक गरीब परिवार में जन्मी हुई बच्ची थी जिसकी माँ घर घर जाकर नौकर का काम करती थी
और कई बार गर्मियों की छुट्टियों में मारिया भी अपनी माँ के साथ काम करने जाया करती थी। तभी इस छोटी सी बच्ची ने देखा कि सभी घरों में बच्चों से लेकर बूढ़े तक एक प्रोडक्ट कॉमनली बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा था और वो था कॉलगेट का टूथपेस्ट। तो बस अब इस चीज को बारीकी से जानने के बाद मारिया ने अपने अंकल जॉर्ज से कहकर अपने लिए कॉलगेट के 100 शेयर खरीदने को बोला। अब जो कि अंकल जॉर्ज एक स्टॉक ब्रोकर थे तो उन्होंने मारिया को उसके बर्थडे में मिले हुए गिफ्ट्स और बाकी बचत के पैसे मिलाकर कॉलगेट के 100 शेयर खरीद करके दे दिए। अब उस समय पे कॉलगेट के एक शेयर की कीमत थी 25 रुपए, क्योंकि कॉलगेट कंपनी 1978 में इंडिया और यूएस बस ये दो ही जगह पे लिस्टेड हुई थी, इसलिए मारिया को 100 शेयर्स केवल 2500 रुपए में ही मिल गए। लेकिन अब मारिया ने इस स्टॉक को बेचा नहीं बल्कि स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके रख दिया और 2019 में जब वो 30 साल की हुई तब उसके यही 2500 रुपए के 100 शेयर कंपनी के बोनस एंड स्प्लिट शेयर देने की वजह से तकरीबन 1,02,400 के आसपास हो चुके थे, जिसकी टोटल वैल्यूएशन थी 16 करोड़ रुपए के आसपास, क्योंकि 2019 में कॉलगेट के एक शेयर की कीमत थी तकरीबन 1500 से 1600 रुपए के आसपास, जिसकी वजह से ही एक नौकरानी की साधारण सी बच्ची ने अपनी छोटी सी उम्र में ही एक एक्सट्रीम लेवल की फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर ली। ठीक मारिया की तरह ही अगर आपने 2500 ना सही मगर सिर्फ 250 रुपए भी कॉलगेट में इन्वेस्ट कर दिए होते ना उस समय पे, तो वो आपके आज 1.6 करोड़ रुपए बन जाते। अगर वो भी ना सही तो सिर्फ अगर आपने 25 रुपए भी इन्वेस्ट कर दिए होते ना तो वो भी आज आपको करीब करीब 16 लाख रुपए का क्लियर रिटर्न उपलब्ध करवाता। तो ठीक मारिया की तरह ही अगर आप भी आज और अभी से इन्वेस्टमेंट की पावरफुल जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हो और एक छोटी सी उम्र में फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल करना चाहते हो, तो मोतीलाल ओसवाल आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेकर आया है। क्योंकि मोतीलाल ओसवाल का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपको स्टॉक मार्केट एंड इन्वेस्टमेंट की कई सारी एजुकेशनल वीडियोस और ऑनलाइन लर्निंग फ्री में ही उपलब्ध करवाती है। साथ ही साथ मोतीलाल ओसवाल हमारे फंडो प्रोग्रामिंग के सब्सक्राइबर को फ्री डीमैट अकाउंट विद जीरो मेंटेनेंस चार्ज की बेहतरीन सुविधा भी दे रही है, जहां पे आप अपने पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक डिटेल के साथ फ्री में ही डीमैट अकाउंट ओपन करके आज और अभी से इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हो। और अभी अकाउंट बनाने पर आपको 3000 डिस्काउंट कूपन एंड 1000 ब्रोकरेज ऑन कैशबैक विद 25000 वर्थ बास्केट की एलिजिबिलिटी तुरंत ही मिल जाएगी, विच इंक्लूड्स ऑल देयर एआई बेस्ड टूल्स, जिसकी मदद से आप इन्वेस्टमेंट की सही जानकारी के साथ इफेक्टिव तरीके से अपनी सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट आज से ही स्टार्ट कर सकते हो। इन्हीं कारणों की वजह से मोतीलाल ओसवाल पिछले 30 सालों से एक ट्रस्टेड ब्रांड के तौर पर मार्केट में अपना एक मजबूत दबदबा बना पाई है और आज 22 लाख से भी ज्यादा कस्टमर्स इनकी इस बेहतरीन सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। तो अगर आप भी एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट प्लान के साथ अपने फ्यूचर को सेफ एंड सिक्योर बनाना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए और अपना नाम, फोन नंबर और सिटी एंटर करके फ्री में ही मोतीलाल ओसवाल के साथ आज ही अपनी इन्वेस्टमेंट की एक सेफ एंड सिक्योर जर्नी को स्टार्ट कीजिए दोस्तों, जो अंत में आपको 100% फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने में मदद करेगा। अब अगला महत्वपूर्ण प्रिंसिपल आपको ये ध्यान में रखना होगा कि ऑलवेज सराउंडेड योरसेल्फ विद पॉजिटिव पीपल ओनली। जैसे कि साइकोलॉजिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जिनमें उन्होंने 180 ऐसे बच्चों को शामिल किया जो पढ़ाई में एवरेज परफॉर्म करते थे और इन बच्चों को दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया। मगर यहाँ पे ग्रुप ए के जो बच्चे थे उन्हें शरारती, इनडिसिप्लिन एंड राउडी किस्म के बच्चों के साथ पढ़ने के लिए रख दिया गया, मगर वहीं ग्रुप बी के बच्चों को स्कूल के टॉपर बच्चों के साथ एक ही क्लास में रख दिया गया। और तकरीबन 3 महीने के बाद जब इन दोनों ग्रुप्स के बच्चों की एग्जाम ली गई तो उसके रिजल्ट चौंका देने वाले थे, क्योंकि ग्रुप ए के बच्चे जो एवरेज परफॉर्म करते थे उनके स्कोर अब एवरेज से भी और भी ज्यादा लो कैटेगरी में चले गए थे। वहीं दूसरी तरफ ग्रुप बी के बच्चों के स्कोर 90% ज्यादा इम्प्रूव हो गए थे, जिसके पीछे का कारण साइकोलॉजिस्ट ये बताते हैं कि एक्चुअली में हमारे सफलता के पीछे हमारा बैकग्राउंड एनवायरनमेंट बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट करता है। जैसे कि ग्रुप ए में सभी बच्चे राउडी, इनडिसिप्लिन और शरारती बच्चे थे, तो ऐसे माहौल में रहकर इन एवरेज बच्चों को पढ़ाई करने के लिए बहुत ही ज्यादा एफर्ट डालना पड़ता था, क्योंकि उनके आसपास बहुत ही भारी मात्रा में डिस्ट्रक्शन मौजूद था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ग्रुप बी में ज्यादातर बच्चे टॉपर थे जो हमेशा से ही पढ़ाई करने के साथ साथ खुद के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने की ही बातें किया करते थे, जिसकी वजह से ही उन एवरेज बच्चों को भी ऑटोमेटिकली एक फोकस एंड इंस्पायरिंग एनवायरनमेंट मिला, जहाँ पे वो एफर्टलेसली फोकस होकर अपनी पढ़ाई कर सकते थे और साथ ही साथ अपने टॉपर दोस्तों की मदद से वो अपने परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूव कर सकते थे, जिसकी वजह से ही सिर्फ 3 महीने के टाइम ड्यूरेशन में ही उनके स्कोर 90% से भी ज्यादा इम्प्रूव हो गए थे। यही वजह है कि सफल लोग हमेशा से ही ऐसे लोगों के साथ ही दोस्ती करते हैं जो उन्हें खुद भी सफलता हासिल करने का एनवायरनमेंट उपलब्ध करवाते हैं। यही वजह है कि बिल गेट्स के साथ रहने वाले उनके दोस्त भी आज मिलियनेयर बन चुके हैं। वहीं स्टीव जॉब्स ने तो अपने दोस्त
स्टीव वोजनिया की वजह से ही एप्पल कंपनी की शुरुआत कर पाए थे। इसलिए अगर आपको भी आसमान की ऊंचाइयों को छूना है तो बाज के साथ दोस्ती करना सीख लो। वहीं अब अगला प्रिंसिपल आचार्य चाणक्य जी ये बताते हैं कि उत्सावते म षडवती वशी भवंती निरुत्सा देव पतितम, यानी कि अगर आप चाहे कितनी भी दैवीय शक्ति के साथ और अद्भुत टैलेंट के साथ ही इस दुनिया में क्यों ना आए हो, लेकिन अगर आपने समय रहते डेडिकेटेड प्रैक्टिस के साथ अपने इस टैलेंट की मदद से एक मजबूत स्किल को अगर डेवलप नहीं किया ना, तो आपको मिली हुई सभी दैवीय शक्तियों का भी समय रहते नष्ट हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर आप कितने भी मूर्ख अज्ञानी और बिना किसी दैवीय शक्ति के साथ ही क्यों ना पैदा हुए हो, लेकिन अगर आपने डेलिब्रेट प्रैक्टिस की मदद से अपने अंदर एक मजबूत स्किल को डेवलप कर लिया ना, तो फिर आप किसी भी दैवीय शक्ति वाले टैलेंटेड इंसान को भी पीछे छोड़कर एक एक्सट्रीम लेवल की सफलता हासिल कर सकते हो। अब इसी चीज को एंजेला डकवर्थ ने अपनी किताब में भी प्रूव करके दिखाया है कि एक इंसान अपने टैलेंट के दम पे सिर्फ और सिर्फ एक स्किल को डेवलप कर सकता है, लेकिन उस स्किल में मास्टरी हासिल करने के लिए उसे भी डेलिब्रेट एफर्ट तो डालने ही होंगे। लेकिन वहीं अगर कोई नॉन टैलेंटेड इंसान अगर अपने साधारण से टैलेंट के साथ भी अगर डबल एफर्ट डालता है, तो वो इंसान भी दुनिया की किसी भी स्किल में मास्टरी अचीव करके दुनिया की किसी भी टैलेंटेड इंसान को चुटकियों में पछाड़ सकता है, और ये सनातन सत्य बात है दोस्तों। वहीं अगला प्रिंसिपल इनएक्टिविटी के बारे में ये कहता है कि लोहा जो दुनिया का सबसे मजबूत धातु में से एक माना जाता है, जिसे कोई भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, मगर हैरानी की बात तो ये है कि जब यही लोहा आइडियल होकर एक ही जगह पे पड़ा रहता है ना, तब उसी लोहे का जंग उसे बेरहमी से मार देता है और धीरे धीरे उसकी काबिलियत मिट्टी में मिल जाती है। ठीक उसी तरह कार्स में लगी हुई बैटरीज का भी समय रहते इस्तेमाल नहीं किया गया ना, तो वो बैटरी खुद ही परमानेंटली डेड हो जाती है। ठीक यही प्रिंसिपल इंसान के दिमाग और शरीर पे भी लागू पड़ता है। अगर कोई इंसान भी जिस दिन से आइडियल होकर शरीर और दिमाग से एक्शन लेना बंद कर देता है ना, उसी दिन से उसका विनाशकारी समय शुरू हो जाता है, और लंबे समय तक आइडियल एंड लेजी बने रहने की वजह से अब धीरे धीरे उनकी काबिलियत डिस्ट्रॉय होने लगती है, जिसकी वजह से ही वो अपनी नेचुरल सुपर पावर को भी खो देते हैं, जो इवेंचुअली उनका खुद ही का विनाश का कारण बन जाता है। और इसी चीज के बारे में हमारे वेदों में भी बहुत ही बारीकी से बताया है कि प्रथमे नार्जिता विद्या, द्वितीये नार्जिता धनम, तृतीये नार्जिता पुण्य, चतुर्थे की करशशि, यानी कि अगर आपने अपने जीवन के प्रथम भाग में विद्या, दूसरे चरण में धन और तीसरे चरण में अगर पुण्य नहीं कमाया है, तो आप अपने चौथे चरण का कैसा हाल होगा उसकी कल्पना आप आज ही कर सकते हो। इसलिए इन तीन चरणों में क्या क्या एक्शन लेना है और किस तरह से एक्शन लेना है, वो सारी चीजें मैंने आपको पहले ही इस वीडियो में सटीक तरह से बता दी है। तो अब आगे कौन सा एक्शन लेना है वो दोस्तों अब आपको डिसाइड करना है। एंड एट लास्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।